अभी की सबसे बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल सरकार ने 22 जनवरी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सरकारी छुट्टी का ऐलान नहीं किया है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आधे दिन की सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। इस सिलसिले में कोलकाता कॉरपोरेशन के मेयर फिराद हकीम ने कहा है कि जो लोग मंदिर का इफ्तिताह कर रहे हैं, मेरी नेक ख्वाहिशात इनके साथ है, लेकिन इससे आम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। राम की मैं भी इज्जत करता हूं, लेकिन उसे लेकर सियासत की जा रही है जो नाकाबिले कबूल है। बंगाल में कोई मजहब के नाम पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये गुजरात नहीं है जहां तहजीब को लेकर खींचातानी की जा रही हो। वहीं उन्होंने राम मंदिर इफ्तिताह के दिन फसाद के अफवाह को लेकर कहा कि बंगाल में फसाद नहीं हो सकता, क्योंकि ये अमित शाह की रियासत नहीं है। मेयर फिराद हकीम ने कहा कि मुल्क के हर हिस्से में मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर का कायम हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इस दिन छुट्टी दी जाए। वहीं उन्होंने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नबन्नों से इस सिलसिले में कोई ऑर्डर नहीं आया है, ममता बनर्जी ने ऐसी कोई हिदायत नहीं दी है जिससे छुट्टी का ऐलान किया जा सके। आज मेयर फिराद हकीम ने पार्क सर्कस मैदान का मुआयना भी किया। याद रहे कि एक तरफ जहां अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, वहीं दूसरी जानी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाजरा मोड़ से लेकर पार्क सर्कस मैदान तक कौमी यकजहती रैली का ऐलान किया है। वहीं दूसरी जानिब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम और हरियाणा में राम मंदिर के उद्घाटन के रोज शराब की दुकान पर पाबंदी लगाई है। লাফালাফি লোক বেশি আছে, দেখেছি বাইকে করে যারা যায়, এরকম টিকা ফিকা মেরে ওরা কি সঙ্গীত বুঝবে? যাও না, ডোবাল লেন চলছে, যাও নাকি ভালো করে সঙ্গীত বুঝে এসো। এই তো কাল 22 তারিখ থেকে ডোবাল লেন, ভালো করে বোঝো সঙ্গীত। বাংলার কালচার নিয়ে টানাটানি করছে, টানাকানি করে কালচার হয়। গতকাল মুর্শিদাবাদ দিয়ে মিটিং হয়েছে আপনাদের, কিন্তু আজকে উমান তুমি বলেছেন যে 26-28-30 বছরের ছেলেরা 60-65 বুড়ো তারাও সবাই আছে, সবাই মিলে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের একটা পরিবার। এটা কেউ ইন্ডিভিজুয়ালি বললে কিছু যায় আসে না, আমরা সবাই একসাথে আছি। আমাদের নেত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে টিভিতে, যাদের আপনারা টিভি ক্যামেরা নিয়ে যাচ্ছেন সেখানে কিছু কিছু বানিয়ে নিচ্ছেন, মানুষের কোনো ইন্টারেস্টই নেই। কারণ আমিও বাংলায় ঘুরি, কেন দেবে? কোথাও না কোথাও মন্দির হচ্ছে, কালকে বলেছি তো, কোথাও না কোথাও মন্দির হচ্ছে, মসজিদ হচ্ছে, গির্জা হচ্ছে, গুরুদ্বার হচ্ছে, রোজ ছুটি হবে। রাম মন্দির হচ্ছে, যারা করছেন তাদের ধন্যবাদ, মানে তাদের শুভেচ্ছা, কিন্তু তার জন্য ছুটি কেন? আর বাদবাকিটা কালকে।